विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां, बीजेपी की प्रचंड जीत और अब विधान परिषद का चुनाव, चुनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीजेपी की चुनावी रणनीतियां अभी तक बरकरार है, बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। वो उम्मीदवार सपा अध्यक्ष के बेटे हैं जिसने सुर्खियां बटोर ली हैं। कौन है वो उम्मीदवार, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी के हर तरफ चर्चा शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी जश्न मनाने के साथ सीएम योगी के दोबारा सीएम पद की शपथ को लेकर माहौल गर्म बना हुआ है, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट जारी होने के बाद से सियासी गलियारों में हलचल भी मच चुकी है। दरअसल आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। जहां 2017 के चुनाव में अरुण यादव बीजेपी के विधायक थे, वो इकलौते ऐसे विधायक थे जो आजमगढ़ से जीते थे। लेकिन जब 2022 में बारी आई चुनाव लड़ने की, तो अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरे पिता चुनावी मैदान में हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बात करें रमाकांत यादव की, तो वो सपा के टिकट से चुनाव लड़े, बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार राम सूरत को 25,000 वोटों से मात तक दे दी। और तो और उनका लाठी वाला वीडियो खूब वायरल भी हुआ। मैं होली खुद मनाता नहीं और लोगों को मना करता हूँ कि होली हम लोग का त्योहार नहीं है। ये होली लोग मनाते हैं, हम उससे दुखी हैं, इसलिए हम होली मनाने से लोग मना करते हैं और खुद हम मनाते नहीं होली। अब बात करें अरुणकांत यादव की, तो वो दो बार बीजेपी से ही विधायक रह चुके हैं और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार बनने के बाद से हर तरफ अरुणकांत यादव की चर्चा हो रही है। अरुण यादव को टिकट देने के बाद से आखिर क्या रणनीति सपा बनाती है और इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बात करें बाकी उम्मीदवारों की, तो सपा छोड़कर बीजेपी में आए सीपी चंद, रविशंकर सिंह पप्पू, नरेंद्र भाटी और रमा निरंजन को भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। साथ ही बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश भी की है। 30 में से 11 ठाकरों को बीजेपी ने मौका दिया है और 5 ब्राह्मणों को भी उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि जातीय समीकरणों के आधार पर कितना कमाल आखिरकार ये प्रत्याशी कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।